हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। अभी इस वक्त आप मेरे हाथ में जो पैकेट देख रहे हैं, इस पैकेट में एक कॉइन है। वो कॉइन है 125 रुपए की डिनोमिनेशन का, यानी कि इसकी कीमत नहीं, इसका डिनोमिनेशन 125 रुपए है। और ये कॉइन है सिल्वर का, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पर बनाया गया है। अभी के लिए इस कॉइन को इस तरफ रखते हैं और इस तरफ रखते हैं एक दूसरा कॉइन जो है 2 रुपए का, कॉपर निकल से बना। इस कॉइन को भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ सेंटेनरी, यानी कि उनके जन्म के 100 साल कंप्लीट हो जाने पर बनाया गया था। अब ये दोनों कॉइन आपके सामने हैं और अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 2 रुपया है, कॉपर निकल का बना हुआ 2 रुपया, ये इस चांदी के 125 रुपए की डिनोमिनेशन के कॉइन से ज्यादा कीमती है, तो क्या आप इसे मानेंगे? कहानी में ये ट्विस्ट कब आया, ये ट्विस्ट किस तरह से आया, आज हम बात करेंगे इसी बारे में। लेकिन साथ साथ में इस कॉइन को अनबॉक्स करते हुए सिर्फ इंडियन कॉइन टेल्स पर। 23 जनवरी 1897 को जन्म हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ये 1897 याद रखिएगा। और जब उनके जन्म को 100 साल कंप्लीट हुए तो उनकी याद में बनाया गया ये 2 रुपए का कॉपर निकल का स्मारक सिक्का, जो कॉमन सर्कुलेशन में रिलीज कर दिया गया। लेकिन अगर आप इस सिक्के के यहां देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 1996, जबकि नेताजी के जन्म का साल था 1897, यानी 100 साल कंप्लीट होने चाहिए थे 1997 में, लेकिन गलती से इस 2 रुपए के सिक्के पर लिख दिया गया 1996। और जब तक ये गलती समझ आती, ये 2 रुपए के सिक्के मार्केट में उतारे जा चुके थे। इस गलती को सुधारने के लिए इन 1996 के सिक्कों का प्रोडक्शन रोक दिया गया। उस सेम डिजाइन के सिक्कों पर साल 1997 लिखकर उन्हें फिर से मार्केट में रिलीज कर दिया गया। बहुत कम बनने की वजह से नेताजी पर बने ये 1996 के सिक्के हो गए रेयर और कीमती। लेकिन कितने कीमती, वो जानने से पहले आइए देख लेते हैं इस सिल्वर कॉइन को भी। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं इस कॉइन को ओपन करके। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक प्रूफ कॉइन सेट है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब इसे ओपन करते हैं और ये रहा 125 रुपए का सुभाष चंद्र बोस का ये कॉइन, जो कि बना है सिल्वर से, यानी कि इसमें 50% सिल्वर मिक्स है। इसका वेट यहां पर आप चेक कर सकते हैं, 35 ग्राम का ये कॉइन है, जिसमें कि 50% सिल्वर के साथ दूसरी मेटल भी मिक्स की गई है। ये है इसका ओवर साइड, और इसके रिवर्स साइड को देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से कमाल का कॉइन दिखाई देता है। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ये कॉइन, प्रूफ सेट कॉइन। दोस्तों, इस कॉइन के साथ साथ इस कॉइन की कीमत के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इस कॉइन को मैंने मिंट से परचेस किया है 3,156 रुपए की कीमत पर। लेकिन इस कॉइन के कंपैरिजन में अगर आप इस कॉइन को देखेंगे, जो कि एक 2 रुपए का कॉपर निकल का कॉइन है, तो इस कॉइन की कीमत बहुत अलग अलग होती है। तो जैसे कि इस कॉइन की कीमत, जो कि सिल्वर का कॉइन है, 125 रुपए का कॉइन है, इसकी कीमत है 3,156 रुपए। लेकिन अगर ये कॉपर निकल का कॉइन आपके पास है, 2 रुपए का कॉपर निकल का कॉइन आपके पास है, तो इसकी फाइन कंडीशन में आपको मिल सकते हैं 1500 रुपए तक। वेरी फाइन कंडीशन में इस कॉपर निकल के 2 रुपए के कॉइन की कीमत होगी 2000 रुपए तक। और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस कॉपर निकल के 2 रुपए के कॉइन की कीमत आपको मिल सकती है, या इसे कलेक्ट करने के लिए आपको चुकाने पड़ सकते हैं 3000 रुपए तक। और अगर ये 2 रुपए का कॉपर निकल का कॉइन आपको अपने कलेक्शन में शामिल करना है, तो इसके लिए आपको UNC कंडीशन में चुकाने पड़ सकते हैं 5000 रुपए तक। तो दोस्तों, सिल्वर का 125 रुपए का सुभाष चंद्र बोस का ये कमाल की क्वालिटी वाला कॉइन भी इस कॉपर निकल के 2 रुपए के कॉइन से सस्ता है।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि 2 रुपए का ये कॉइन कॉपर निकल का 1996 का ये कॉइन जनरल सर्कुलेशन के लिए रिलीज कर दिया गया था और इसी वजह से ये कॉइन आज भी बहुत से लोगों को अलग अलग जगह पर अपने कॉइन कलेक्शन में अपनी पुरानी ड्रॉअर में आसानी से मिल जाता है। अगर आपको भी ये कॉइन अपने कॉइन कलेक्शन में मिले तो हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन बेल आइकन प्रेस करते जाइए ताकि हम सुनाते रहें और आप सुनते रहें इंडियन कॉइन टेल्स।